सर पर आपका स्वागत है। ये जो आपका क्वेश्चन पेपर मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये अब मेमोरी बेस्ड नहीं रहा है, अब ये एनटीए की तरफ से ही हमें अवेलेबल हो गया है। तो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमें कह रहा है कि C15H30 का कंबशन करवाना है, तो जी करवा देते हैं। तो जितने CO2 जितने कार्बन उतने CO2, उतने हाइड्रोजन के हाफ वाटर। अब यहाँ 30 ऑक्सीजन है और 15 यहाँ है, तो 22.5 O2 यहाँ हमारे यूज हो रहे हैं। तो बड़ी सिंपल सी बात उसने बोली है, इफ अ रॉकेट रन्स ऑन अ फ्यूल एंड लिक्विड ऑक्सीजन द वेट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, इसके नीचे लगा देते हैं क्वेश्चन मार्क, एंड CO2 रिलीज नीचे क्वेश्चन मार्क, फॉर एवरी लीटर ऑफ फ्यूल रिस्पेक्टिवली। और अब यहाँ जो फ्यूल है मोलिकुलर वेट निकाल ले, से वन मोल से करेंगे अगर हम लोग, तो ये 15 × 12 + 30 जी, ये आपके पास एग्जैक्टली 15 × 12 + 30 से जो आपका आंसर आ गया वो मोलिकुलर वेट से आगे कंट्रोल हुई। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम से हमारे पास 1 लीटर में हमारे पास 756 ग्राम्स हो जाएगा। इतना C5H30 रिएक्ट कर रहा है, 756 डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट 210 हो गया, तो ये 3.3 मोल रिएक्ट कर रहा है, 3.6 मोल रिएक्ट कर रहा है जी। अब क्वेश्चन हो गया आपका इजी, क्या करना है, 1 मोल C5H30 15H30 कितने से रिएक्ट कर रहा है, 22.5 मोल इंटू 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, तो 3.3 कितने से करेगा, 22.5 32.3, इससे आप एग्जैक्ट आंसर तक रीच बना लेंगे। 3.3 का मल्टीप्लाई 32 से और उसका मल्टीप्लाई 22.5 से, तो ये जो आपके पास मास आएगा 2376 ग्राम्स आ जाएगा। बात को समझ गए होंगे आप लोग, पहले बैलेंस्ड इक्वेशन लिख दो, बिल्कुल लिख दीजिए, फिर 1 मोल का मास लिख दिया, बिल्कुल लिख दिया जी, इससे हमें फायदा नुकसान क्या हो बाद में देखते हैं। हमें देखना है कि 1 लीटर में कितने ग्राम है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम 1000 मिलीलीटर, 1 लीटर तो कह ही रहे ना, वो बर्न करवाओ। डेंसिटी आपके पास 0.756, तो ये मेरे पास मोल निकला है 756 ग्राम के 3.6 मोल, 1 मोल C5H30 कितने ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, तो 3.3 मोल कितने से रिएक्ट करेगा, 2376 ग्राम से। सेम आप CO2 के बारे में भी जान सकते हैं कि 1 मोल से 15 मोल CO2 आ रहे हैं, 15 मोल CO2 आ रहे हैं, ठीक है जी। और अगर हम इसी तरीके से हम अगर CO2 निकालना चाहें तो 44 एंड में उसका 3.3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। Consider the following pairs of electrons. The pair of electron present in degenerate. Degenerate का मतलब समझते होंगे same energy. Degenerate मतलब same energy. चेक कर ले। यहाँ आपके पास 3 और 1, 3 और 2 तो भूल जाओ, 3 2 3 2 considerable है, 4 2 3 2 considerable नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये भी कट गया। ये 3D ऑर्बिटल आपके पास जो होगा वो कोई XYZ कुछ भी हो सकता है, क्लियर, और इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन का ही दे रखा है, ज्यादा बोदर करने की बात थी नहीं, दैट्स व्हाई हमारा आंसर ओनली बी आ गया। इसकी एनर्जी डीजनरेट मतलब बराबर है, एनर्जी डीजनरेट मतलब बराबर है जी। इस क्वेश्चन को आप देखें, यहाँ अगर आप थोड़ा सा मैच ठीक से करा लेंगे तो आंसर आपका बन जाएगा। जैसे BRFI बड़ा फेमस मॉलिक्यूल है जो जेई वालों को स्पेशली पसंद है, ये sp3d2 है, लोन पेयर इसके पास एक है, तो sp3d2 का एग्जांपल बी के साथ फोर्थ मैच कर रहा है, बी के साथ फोर्थ मैच कर रहा है, तो बी यहाँ फोर्थ, बी फोर्थ यहाँ है नहीं, यहाँ है नहीं। अब आप देखें
कहीं ना कहीं पीटीसीएल सिक्स, और मैं आपकी ढेरों बार आपको बताता रहा हूँ अपने लेक्चर्स में, जब भी कभी प्लेटिनम होगा और प्लस टू में होगा और उसके साथ कोई भी लिगेंड हो इरिस्पेक्टिव ऑफ द स्ट्रेंथ और नेचर, तो 101% उसकी हाइब्रिड स्टेट वायर प्लेनर वाली DSP2 आएगी। एक के साथ थर्ड की मैचिंग, एक के साथ थर्ड की मैचिंग, तो हमारा आंसर परफेक्टली ये मैच कर जाएगा। ये हमारा इक्विलिब्रियम के डेरिवेशन का क्वेश्चन है। हमसे पूछा जा रहा है कि ए बी सी, सबसे पहले चेक कर लिया करो गैस 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 है कि नहीं। ए यहां हमारे पास 0.5 C सब गैस है। द रिलेशन बिटवीन डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इक्विलिब्रियम प्रेशर, तो 1 0 0, 1 - α, α, α/2 टोटल मोल निकाल लें तो आपके पास 1 + α/2 आ जाएगा। फिर सबके पार्शियल प्रेशर निकाल लें, फिर सबके पार्शियल प्रेशर निकाल लें, एक का पार्शियल प्रेशर इंडिविजुअल बाय टोटल टोटल प्रेशर, फिर बी का प्रेशर, बी का प्रेशर जो ए का प्रेशर है 1 - α पी है, और बी का प्रेशर अल्फा 1 + α/2 मल्टीप्लाई विद पी है, और जो सी का प्रेशर है जी वो α/2 इंटू पी 1 - 1 + α/2। जैसे इन वैल्यूज को पुट करेंगे सीधा सीधा आपका रिलेशन निकल कर आ जाएगा। ठीक है जी, फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन है ये, इमल्शन ऑफ ऑयल इन वॉटर, ऑयल इन वॉटर आर अनस्टेबल एंड समटाइम्स दे सेपरेट इनटू टू लेयर्स ऑन स्टैंडिंग। तो कहीं ना कहीं इस बात में बिल्कुल ट्रुथ है कि ऑयल और वॉटर कभी भी एक स्टेबल कोलोइडल सोल नहीं बना सकते। नेचर वाइज ये कोलोइडल सोल अनस्टेबल होने वाले हैं, नेचर वाइज ये वाले कोलोइडल सोल अनस्टेबल होने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर वो कह रहा है कि फॉर स्टेबलाइजेशन ऑफ एन इमल्शन एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट तो डालने का मतलब ही नहीं है। एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट तो उसको क्या करेगा, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट तो उसको डिपॉजिट करेगा, उसको फ्लोक्युलेट करेगा, उसको कैलकुलेट करेगा, ये हमें पंगा नहीं लेना है। ठीक है जी, तो एक्स स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, हाँ बिल्कुल ठीक है। उसके बाद 2 बिल्कुल गलत बोल रहा, इसमें इन्होंने बोला हुआ है एम्फोटेरिक। तो चेक करें जो Na2 है फर्स्ट ए का मेंबर है, बेसिक हो गया, और इसके बाद N2NO ग्रुप नंबर 15 के है, न्यूट्रल हो गए। Cl2O7 हमारा एसिडिक हो गया। अब बचता है आपका ग्रुप नंबर 15, ऊपर के नाइट्रोजन फास्फोरस तो चलते हैं एसिडिक एसिडिक, सिर्फ इन दो को छोड़कर N2NO 5 ऑक्साइड है नाइट्रोजन के। फिर आपके पास बचता है कौन, आर्सेनिक। तो जो आर्सेनिक आपके पास है वो एम्फोटेरिक नेचर का होएगा, तो एनटी का आंसर भी बिल्कुल परफेक्ट है यहाँ। इन लिस्ट को मैच करवाना है, जो सिडेराइट है डी के साथ फर्स्ट मैच करेगा, याद करने के बेसिस पे था ये लेना पीपीएस है, तो जो परफेक्टली मैच कर जाएगा डी के साथ हमारा फर्स्ट मैच करना चाहिए, या तो ये आंसर आएगा या अंगेगा। सी के साथ सेकेंड मैच करना चाहिए, सी के साथ सेकेंड अभी भी चल रहा है काम, तो क्या करें। कैलामाइन और स्फेलराइट, स्फेलराइट आपको पता है जेडनेस को बोलते हैं। The highest industrial consumption of molecular hydrogen is to produce, वो NCERT की लाइन है कि हम हाइड्रोजन का इंडस्ट्रियल कंजप्शन अमोनिया बनाने में करते हैं, तो द हाइएस्ट इंडस्ट्रियल कंजप्शन ऑफ मोलिकुलर हाइड्रोजन इज टू प्रोड्यूस कंपाउंड ऑफ द एलिमेंट, तो नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन का रिएक्शन होकर अमोनिया बनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, जो लिथियम का क्लोराइड और मैग्नीशियम वो कोवलेंट होने की वजह से इथेनॉल में घुलता है। ऑक्साइड्स ऑफ लिथियम ऑक्साइड MgO सुपर ऑक्साइड कभी नहीं बना सकते, सुपर ऑक्साइड बनाने की टेंडेंसी टॉप से बॉटम बढ़ती है। और एक बात बता दूं, सेकेंड ए के सुपर ऑक्साइड है ही नहीं, एनसीईआरटी लिखती है सेकेंड ए के सुपर ऑक्साइड दुनिया में है ही नहीं, सेकेंड ए के सुपर ऑक्साइड्स है ही नहीं। LiF इज लेस सोल्यूबल इन वाटर, बिल्कुल ठीक बात है। देन अदर एल्कली मेटल फ्लोराइड्स कम घुलता है, बिल्कुल कम घुलता है। अब मेरे पास ये तो ठीक है, सी भी ठीक जा रहा है, ए और सी ठीक है, तो गलत ही हो गया। दो ऑप्शन सेम दे रखे हैं,
या तो मैं ए को चूज कर लूँ या डी को, क्योंकि दोनों ऑप्शन सेम है। ये हो सकता है प्रिंटिंग मिस्टेक रही हो। Li2O इज मोर सोल्यूबल इन वॉटर, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये स्टेबल टाइप के, Li2O इज मोर स्टेबल, Li2O इज मोर सोल्यूबल इन वॉटर देन अदर एल्की मेटल, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये लैटिस एनर्जी जबरदस्त है इसके। तो ए एंड ये वाला आंसर भी आ जाएगा और ये वाला आंसर भी आ जाएगा, क्योंकि दोनों सेम ऑप्शन है। B2S6 के बारे में हमें सही गलत ढूंढना है। चार तो इसमें टर्मिनल बॉन्ड है, ये ब्रिज्ड बॉन्ड है, इन B2S6 ऑल BH बॉन्ड्स आर इक्विवेलेंट, बिल्कुल गलत बात। इन B2S6 देयर आर फोर थ्री सेंटर, क्योंकि यहां ये 3C2E बॉन्ड दो ही है, तो हमारे पास बी भी गलत हो रहा है। B2S6 हाँ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसके पास एक्चुअल बॉन्ड होने चाहिए थे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 इलेक्ट्रॉन, एक्चुअल में इसके पास 1, 2, 3, 4, 8 तो ये हो गए और 4 यहाँ 12 इलेक्ट्रॉन है, तो लुइस एसिड है, बिल्कुल ठीक बात है, लुइस एसिड है। तो ए जहां जहां दे रखा है, बी जहां जहां दे रखा है उसको गलत करते हैं, सी जहां है यहां दो बचा हुआ है। B2S6 प्लेनर मोलिक्यूल, B2S6 प्लेनर नहीं है, एक्चुअल में ये परपेंडिकुलर है, जो आपके पास ब्रिज्ड है ना वो परपेंडिकुलर है, तो डी गलत हो गया, डी यहां दे रखा है हटा दे, तो आंसर आपके पास सी एंड डी ओनली, B2S6 कैन बी, मैंने क्या पढ़ दिया पहले प्लेनर, ई पढ़ दिया पहले, ई गलत हो गया बच्चे। B2S6 कैन बी सिंथेसाइज फ्रॉम BF3 एंड हाँ ये NCERT में लिखा हुआ है, BF3 को हम सिंथेसाइज कर सकते हैं BF3 की हेल्प से और सोडियम बोरोहाइड्रेट की हेल्प से, हम BH3 और B2S6 को सिंथेसाइज कर सकते हैं, NCERT की लैंडिंग है, उन्होंने कोई बाहर से बात उठाई नहीं है। इनेमल ऑफ टीथ आपको पता है CA3PO4 होल ट्वाइस, इसी को CA9PO4 होल 6 डॉट CAF2 लिखते हैं, ये फ्लोर एपेटाइट है, ये फ्लोर एपेटाइट है और ये हमारे दांतों के इनेबल बनाता है, तो कौन सा इसमें नहीं है, फॉस्फोरस तो +5 में, कैल्शियम +2 है, P+5 है, फ्लोराइड भी है, तो ये नहीं है, ये दांतों के इनेबल में है नहीं। इस क्वेश्चन को देखिए आप ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, अब इस क्वेश्चन को देखो, ये ना C8H10 है, ऑप्शन भी थोड़ा सा नजर मार लेना, कोई भी डाई सब्स्टिट्यूशन आपके पास प्रोडक्ट नहीं है, तो ये हुआ यहाँ नाइट्रो के आने से हुआ, वो आप चेक कर लें कि बाद में नाइट्रेशन करवाया हुआ ही है उसमें, इसका मतलब जो उसका सबस्ट्रेट है उसके अंदर सैचुरेटेड इथाइल ग्रुप है यार ना, फिर इथीन या फिर ट्रिपल बॉन्ड वाला ग्रुप हो सकता था, लेकिन जो फॉर्मूला उसके हिसाब से मोनो सब्स्टिट्यूशन वाला कोई सबस्ट्रेट है, नाइट्रेशन इसकी ऑर्थो पैरा पर होगा या तो ऑर्थो पर हो सकता है या पैरा पर हो सकता है, तो हमने इथाइल लिखकर क्योंकि प्लस एच इफेक्ट है, यहां हमने क्या करवा दिया नाइट्रेशन करवा दिया, या फिर नाइट्रेशन इसके मेटाप्टेशन पे करवा दिया, पैराप्टेशन पे, ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट आ गया आपके पास, ठीक है जी, ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट आ गया आपके, तो उसके बाद हमने इसका कराया ब्रोमिनेशन, ब्रोमिनेशन एक फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो वो मोर स्टेबल फ्री रेडिकल पे चलेगी, तो वो हमने मोर स्टेबल फ्री रेडिकल पे करवा दी। जी तो यहां भी सोच सकते हैं, यहां भी सोच सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग पे हम आंसर दे देंगे इसका, वैसे पैरा प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होते हैं। अब उसके बाद एल्कोहलिक QH लेकर आया, तो डी हाइड्रो हैलोजनेशन हो गया, CH डबल बॉन्ड CH2, CH डबल बॉन्ड CH2, इन दोनों आंसर में से हमें कोई आंसर देना है, तो पैरा प्रोडक्ट हमारा मेजर प्रोडक्ट रहेगा। दो स्टेटमेंट दिए हुए, वो कह रहा है मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स में जो इवन नंबर वाले मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट हायर रहेगा देन ओड वन, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिल्कुल यस है। द सोल्युबिलिटी ऑफ मोनो, अलग अलग स्टेटमेंट हो गए, द सोल्युबिलिटी ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड इन वॉटर डिक्रीजेस, आर पार्ट बड़ा चलता जाएगा, सोल्युबिलिटी घटती जाएगी, तो बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है।
दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। और ये लो जी स्टेटमेंट्स पे आप फोकस करें, क्योंकि बड़ी गड़बड़ कर रहे हैं आजकल स्टेटमेंट्स में, वो ट्रेडिशनल स्टेटमेंट आजकल नहीं रहे हैं। कॉन्जुगेटेड डाइकेटोन कौन है भाई साहब? ये कॉन्जुगेटेड डाइकेटोन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसकी लोकेशन देख लो आप, बिल्कुल गलत, ये भी नहीं हो सकता। डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, लो जी सीधा आंसर आ गया। बड़े सिंपल सिंपल से क्वेश्चन थे, अगर आपने ढंग से रीड किया हुआ सब्जेक्ट तो आपका पक्का जो 30 है उसमें से 25 आपको अटेम्प्ट करने आराम से हो जाएगी। तो 15 क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपके पास आ गए। नेक्स्ट मैं अगली वीडियो में डालता हूँ, ठीक है जी।